أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وإلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عرف الله أنهم الرزة وطهرهم تطهيرا ورعاد الله على أدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى हमने आपके सामने सूरह शूरा की जिन आयात से आज इस आठवीं मजलिस की इब्तिदा की है, आज के बारे में हम आपसे ये कह दें कि चूँकि मौजू है हमारा पंजतन अहले बैत रसूल के घराने के लोग और उनके ज़रिए से इस्लाम को जानना पहचानना, जो इस्लामी ज़िंदगी में सारी दुनिया में तहक़ीक़ात या तनकीद का सिलसिला, उसमें हम ख़ास तौर पर अहले बैत अतहार को इसलिए सरनामे कलाम करार देते हैं कि इनसे इस्लाम को सही तौर पर हम पेश कर सकें। आज की दुनिया में भी बड़े एतराज़ात इस्लाम पर, इस्लाम के मानने वालों पर आज भी हैं। इन तमाम एतराज़ात का जवाब अगर हम किसी भी मुहक्किक के सामने, जो इस्लाम पर तहकीक करना चाहता हो, रिसर्च करना चाहता हो, अपनी तरह से ना कोई किताब पेश करें ना कोई तकरीर करें, ये मुहर्रम आए और सिर्फ या हुसैन कह दें, जवाब हो जाएगा सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद, सब कुछ समझा देने के लिए काफ़ी है एक लफ्ज़ हुसैन, या हुसैन। हर एक पूछेगा ये क्या, तो जाओ तहकीक करो कौन है हुसैन, जब तहकीक करोगे सब समझ में आ जाएगा। रसूल के घराने की आखिरी फट पंजतन की आज मैं आपके सामने कुछ ज़रूरी बातें कहूँगा, क्योंकि आज की 8 तारीख हमेशा हम बहुत शुरू से 50-55 साल 51-52 साल हमको हो गए पढ़ते हुए, 8 मुहर्रम और 9 मुहर्रम हमारे इन मजालिस का वक्त 2 बजे से 3:30 तक रहता है, 7 मुहर्रम तक 2 बजे से 3 बजे तक। मरसिया खानी की मजालिस को सामने रखते हुए जो नानी शाह के अंबाड़े में होने लगी, बहुत से लोगों ने आकर हमसे कहा हम 5-10 मिनट बढ़ा दें, आज वो हमारे दरमियान नहीं है वो लोग। हमने उनकी खुशी पर इस मजलिस के वक्त को तो नहीं बढ़ाया अपने बयान को, जो लोग शुरू में यहाँ पढ़ते थे बग़ैर लाउड स्पीकर के वो पढ़ें, और 2:10 से लाउड स्पीकर शुरू, फिर हमारी मजलिस शुरू। ये तरीका चला आ रहा है, इसमें कोई फ़र्क नहीं हुआ है। आज भी हमारे बहुत मोहतरम, बहुत मकबूल नायाब साहब, उनके सब साथ के लोग, खुदा इनको दूल हयात अता करे, बेहतरीन पढ़ने वाले उनकी आपने जो नज़्म और नसर के और मसाइब के सिलसिले में सुना, तो आज की मजलिस में हम एक इरादा करके आए हैं, और वो इसलिए कि वाजिब समझा मैंने अपना कि मैं अपना हक़ अदा कर सकूं, जो मेरी ज़िम्मेदारी अदा करूं। तकरीबन 7-8 महीने, 4-6 महीने पहले
हमारे भतीजे जनाब एजाज अतर साहब, मौलाना एजाज अतर साहब, हमारे बरदर मरूम दोस्त अजीज़ ख़तीब अकबर बरहरा मिर्ज़ा मोहम्मद अतर साहब के साहबजादे और उनके भाई जनाब मिर्ज़ा मौलाना मिर्ज़ा यासू अब्बास साहब ने हमसे एक फरमाइश की थी कोई 6-7-8 महीने पहले कि उनके बहुत से लोग जानने वाले उन पर ये एतराज़ करते हैं, इसका जवाब हमने उनसे बात की। फिर अभी शायद महीना सवा महीने डेढ़ महीने के अंदर आलम इस्लाम के अजीम ख़तीब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना कल्ब रुशैद साहब ने टेलीफोन पर हमसे राबिता कायम करके कुछ लोग जो उनके दोस्त हैं बड़े बड़े मनसब पर हैं जहाँ जाएँ उनकी तरफ से कुछ मुखलिसाना सवालात उनसे थे, उस पर उन्होंने हमसे तबादला ख्याल किया, उनसे भी हमने बात की। हमें अंदाज़ा हुआ और भी लोगों ने जिनसे हमसे जिन्होंने हमसे बात की और मुख्तलिफ मौक़ों पर, तो अंदाज़ा हुआ कि एक लहर चल रही है। एक तरफ वो तमाम लोग हैं हिंदुस्तान में भारत में जो मोहब्बत से रहना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, उल्फत और मोहब्बत और भाईचारा, कुछ लोग वो हैं कि जो या नासमझी में या जितना उन्हें समझाया गया, क्योंकि एक बात ये भी है कि कुरान करीम के आयात को बाज़ लोग एक जगह देखते हैं और फिर वो समझ नहीं पाते और वो गैज़ो गज़ब में आ जाते हैं, नागवारी में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। मेरा भी सन शायद 16-17 साल का था जब मैं देहरादून में था, वहाँ के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के डायरेक्टर थे मिस्टर भांवी, मेरे भाई वहाँ साइंटिस्ट थे बड़े भाई मरहूम सेख कायम मेहदी साहब, वो साइंटिस्ट थे वहाँ और उनके अंडर में एक रिसर्च कर रहे थे बर्नर फ्लेम पर। उन्होंने मुझसे कहा, मैं मिस्टर भांवी से मिला था, जो उन्होंने कहा फिर मैंने उनसे बातें की और मंजूर किया उन्होंने, यही बातें और बहुत जगह तमहीदन कह रहा हूँ, ये बातें और बहुत सी जगहों पर और अब इस वक्त भी। बहुत पहले भी मैंने यहाँ कहा कि हमारे मुल्क के बड़े बड़े नाम, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ से, उन्होंने अपनी मुख्तलिफ जगहों पर इस बात को कुरान से देखा और कहा। शायद 4-5-6 साल होते हैं जब हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम था मिस्टर केसी सुदर्शन, जिनकी जगह पर इस वक्त शायद मिस्टर भागवत हैं, वो आए खुद से तशरीफ़ लाए, मिले और हमारी उनकी बातें हुई, बहुत लोग जानते हैं, सारी दुनिया में छपा, और उनसे हमारी बड़े एहतराम से बहुत अच्छी बातें हुई, वो रिकॉर्ड हैं सब। हमने उनसे भी ये कहा कि आप लोग कुरान करीम के बारे में आपके यहाँ ये बातें होती हैं, बड़ा अच्छा जवाब उनका था, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम भी जानते हैं कि कुरान करीम की एक आयत का मतलब अगर वहाँ न समझ में आए तो उसी कुरान में दूसरी जगह जाएंगे तो दूसरी आयत उसका मतलब समझाएगी। इतनी अच्छी बात उन्होंने कही, जो खुद कुरान करीम की आयतें इन्नल कुराना युफस्सिर बाज़ु बाज़ा, बाज़ कुरान बाज़ की तफसीर करता है। मैंने बहुत मजालिस में इसको बयान किया। तो हमारे भारत के अंदर बहुत प्यार से बहुत मोहब्बत से एक दूसरे से बात समझने की बात करते हैं। मैं पूछता हूँ आपके धर्म में ये क्या है, वो मुझसे पूछते हैं आपके मज़हब में ये क्या है, ये अपनाइयत है, ये भाईचारा है। कुछ लोग इसको न समझ कर गुस्से में कहते हैं और कुछ लोग ज़्यादा गुस्से में कहते हैं। उनमें से कुछ बातें जो इधर बहुत नशर हुई जिसके लिए मैंने नाम भी कुछ लिया आपके सामने, तो मैंने उनमें से कुछ बातों को निकाला कि ये बहुत अहम बातें जो कही जाती हैं वो आज मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। इस मजलिस में इसलिए नहीं कि बहुत पढ़ चुके हैं, बहुत पढ़े 52 साल में, इन मजालिस में भी 7 दिन बहुत पढ़े, आज इस 8वीं मजलिस में हम जो कहने जा रहे हैं ये बहुत अहम है, इसलिए कि मेरे ऊपर हफ्ता रह जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ जिस तरह मैं कह लूँगा शायद उस तरह दूसरे लोग नहीं कहेंगे,
क्योंकि मेरा एतबार एतमाद मोहब्बतों पर है, नफरतों पर नहीं है। मैं पहले इस मुल्क का हूँ, पहले हिंदुस्तानी हूँ, पहले हिंदी हूँ, फिर कुछ और हूँ। मैं आपको बता दूँ, काफ़ी अरसे पहले ईरान के सरबराह आज जो हैं बहुत मुहतरम नाम आयतुल्लाह अल-उज़्मा हज़रत आगा सैयद अली ख़ामेनेई, दिल्ली में हमारी उनकी मुलाकात हुई थी, तो हमने उनसे पहला जुमला जब वो बोल चुके तो मैंने कहा, मैं जो कुछ भी आपसे कहूँगा ये समझ कर सुनिए कि मैं इस भारत का हूँ, इस हिंदुस्तान का हूँ, इसी की मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, इसी मिट्टी में मर जाऊँगा। यहीं से हमारी उनकी गुफ्तगु शुरू हुई थी। मैं यहाँ से इसलिए कह रहा हूँ, रेफरेंस, कोई ना समझे कि कोई शक व शुबे की गुफ्तगु। मेरा एतकाद है कि तमाम मजाहिब एक दूसरे के साथ मोहब्बत सिखाते हैं। आज की ये गुफ्तगु तारीखी रहेगी, रिकॉर्डेड रहेगी, याद रखिएगा, मोहब्बतों की बात है। हिंदुस्तान भारत इतने मजाहिब रखता है जितने दुनिया में कहीं नहीं है, और सैकड़ों साल से तमाम मजाहिब के लोग एक दूसरे से मोहब्बत से रहते हुए आए हैं। इसका मकसद ये कि मोहब्बत मजहब है, और मजहब ये समझाता है कि मोहब्बत ही मजहब है। बाबर का नाम लेने वालों से मैं कहूँगा, बाबर की तारीख 500 साल की है, मोइनुद्दीन चश्ती की तारीख 800 साल की है। मोइनुद्दीन शाह, मोइनुद्दीन चश्ती कह चुका पहले। तो इस वक्त आज यहां से मेरी बात खुसूसी तौर पर रिकॉर्ड करें और दुनिया तक पहुंचाएं, कोई तासुब नहीं, ताकि जो तासुबात पैदा होते हैं वो दूर हों, जो नफरतें किसी भी वजह से बनती हैं वो खत्म हों। ये मैं कह पाऊंगा इसलिए कि मेरी अपनी रिसर्च है, हर एक नहीं कह पाएगा, इसलिए मैंने वाजिब समझा कि आज की तारीख मैं कह लूँ। एक सलावत मोहम्मद वाले हो, जहमत होगी बेटे आइए, तो कुरान दे दिए नारे सलवा। इसमें मैं आपके सामने क्योंकि जो एतराज़ात हैं वो कुरान करीम पर हैं, और कुरान करीम से एतराज़ की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, समझने वाले जो समझना चाहते हैं उनसे कहा जाता होगा, उन्होंने इन बातों को निकाला और पेश किया। मैं उसे आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ ताकि किसी को शक न रह जाए। इसमें से कुरान करीम के पहली बात जो कहने जा रहा हूँ, नवे सूरे सूरह तौबा की आयत नंबर 5 से बात की गई है। मैं वो आयत नंबर 5 पढ़ूँ, सिर्फ रेफरेंस दे दूंगा इसलिए कि फिर बाकी पढ़ूंगा तो जहन तशवीश में आ जाएंगे। मुख्तसर तौर पर आयत नंबर 5 में ये कहा, इसको पेश किया जाता है, इस आयत को बीच में रखकर जो समझने वाले हैं प्यार से समझना चाहते हैं, जो नहीं समझना चाहते सिर्फ एतराज़ करना चाहते हैं वो इसके ज़रिए लोगों को भड़काते हैं, जहन मुंतशिर करते हैं। इसलिए इस नंबर 5 की आयत को मैं पूरा बयान करूं कि न बयान करूं, तरद्दुद में हूं, फिर भी कह लूं। सुनिए आप, सिर्फ ये आयत नंबर 5 सूरह तौबा नवा सूरा पहला एतराज़ इस आयत के साथ है। मैं एक एक एतराज़ एक एक जवाब फिर कह दूँ, मुनाजिरा सवाल जवाब नहीं है, बल्कि जो लोग इन आयात से समझना चाहते हैं उनको समझा लें हम, और जो गलत फहमियों में हैं उनकी गलत फहमियाँ दूर हो जाएं, इसके लिए है बात। इस सूरह की 5वीं आयत का तर्जमा ये होता है कि फिर जब एहतराम के हुरमत के 4 महीने गुजर जाएँ
तो जो गैर मुस्लिम हैं उनको जहां पाओ उनसे लड़ो, गिरफ्तार करो, कैद कर दो, और जहां जहां ताक लगा के बैठ सकते हो बैठो उनके लिए। फिर अगर वो बाद आ जाए, नमाजें पढ़ने लगे, ज़कात दे, तो उनकी राह छोड़ दो और उनसे तारुज न करो, बेशक अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो बड़ा बख्शने वाला है। एतराज़ ये कि देखिए इस आयत, इस सूरह की ये पांचवी आयत ये आमादा करती है कि जो इस्लाम पर नहीं उनके साथ ये सुलूक करो। इसी के ज़मीन में इसके बाद की भी आयत ली गई है और सूरह बकरा की भी एक आयत ली गई है। अगर हम यहाँ समझ लेंगे तो हर जगह समझ लेंगे। एहतराम के जो चार महीने हैं वो खाली मुसलमानों के लिए नहीं थे। अरब में सब के दरमियान एक मुआहदा था, रजब, ज़ीका, ज़िलहिज और मुहर्रम, इन चार महीनों में मत लड़ो, अपने अपने काम करो, लड़ाइयाँ बंद कर दो। लेकिन मक्के में जब इस्लाम शुरू किया गया, कुरान का पैगाम शुरू हुआ, तो मुखालिफत करने वाले लोगों ने इन चारों महीनों का भी ख्याल नहीं किया। जहाँ मौका मिलता था जो इस्लाम को कबूल कर रहे थे या उस पर आ रहे थे, उनको मारते थे, कत्ल करते थे, उनके माल और उसबाब को लूट लेते थे। ये मैं अब कह रहा हूँ, इसलिए खालिस आयत नंबर 5 को देखकर हुक्म न लगाइए, बल्कि इससे पहले की आयत नंबर 4 बीच की बात मत कहिए। मैंने सिर्फ पानी कहा, हो सकता है मैं कहना चाहता हूं पानी मत लाइए, हो सकता है मैं कहूं पानी क्यों नहीं लाए, हो सकता है मैं कहना चाहता हूं ठंडा पानी लाइए। सिर्फ पानी से काम नहीं चलेगा, बीच की 5 आयत से नहीं काम चलेगा। ऊपर की 4 नंबर की आयत क्या कह रही है, बाद की 6 नंबर की आयत क्या कह रही है, उसके बाद की 7 क्या कह रही है, 8 क्या कह रही है, तब 5 का मसला हल होगा। मैं एतराज नहीं कर रहा हूं, समझने समझाने की बात है, जहां तक मेरी बात जाए। नंबर 5 सिर्फ आयत पेश करेंगे तो नफरत बढ़ेगी। कुरान के सिलसिले में एक नज़रिया बनेगा। लेकिन इसी कुरान करीम की इससे पहले की मिली हुई आयत, दोनों आयतें सब मिली हुई हैं, ये बीच में 5, ये 4, ये 6। 5 तो आपने सुनी कि जहां ये मिले इन्हें मारो, जो इस्लाम पर नहीं है। हुरमत के इन 4 महीनों में जब ये ख़त्म हो जाए तो इन्हें मारो। फिर और जुमले, अब 4 आयत सुनिए इससे पहले की आयत। हाँ ए रसूल, जिन लोगों ने तुमसे आहद, तुम मिनल मुश्रिकीन, जिन लोगों ने तुमसे मुआहदे किए थे, गैर मुस्लिमों ने, फिर उन लोगों ने कभी भी कुछ भी तुमसे उस वायदे में, उस अहद में कमी नहीं की है, और न तुम्हारे मुकाबले में किसी और जिसने मुआहदा तोड़ा उसकी मदद की है, तो इनके अहद पैमान को, मुआहदों को, एग्रीमेंट को जितनी मुद्दत तक मुअय्यन किया गया है पूरा करो। यानी इनके साथ मोहब्बत के साथ रहो, बेशक अल्लाह बाकिरदार लोगों को दोस्त रखता है। अहद व मुआहदे को पूरा करना अल्लाह के नज़दीक किरदार की बात है, और जो ऐसा करेगा उसे पसंद करेगा, चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो। और इसलिए उसने आयत नंबर 4 में ये कहा, जो मुआहदों पर रहें चाहे वो मुसलमान न हो, जब तक वो अपने मुआहदे पूरे करें आप भी पूरा करें, इसको अल्लाह पसंद करता है। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसको अल्लाह पसंद करता है। बीच की नंबर 5 जो अभी आपने सुन ली, मारो भाई, मारो किसको मारो, जो तुम्हें कत्ल करने आ रहे हैं तो सर झुका के कत्ल हो जाएं, वो मारने आ रहे हैं पिट जाएं,
घरों का बर्बाद नहीं, जो मुआहदा तोड़ कर ये कर रहे हैं उनका जवाब दो, और जो मुआहदों पर रह जाएं उनकी इज्जत करो, उनके साथ पैमान है तो पैमान पूरा करो। चार आयत सुनाई, पांचवी जिसमें जज्बात खराब होते हैं वो सुना दी, अब इससे मिलकर छठी क्या है? मोहकम जवाब, प्यार से मोहब्बत से पढ़ो, और जहां तक लोग समझना चाहते हैं मेरी बात को मोहब्बत से सुने। फौरन इसी सूरह तौबा की आपने पांचवी आयत तो सुनी, जहां जहां लिखी गई है नेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, जगह जगह मैंने भी देखी लिखी गई है। फिर चार महीने गुजर जाए तो इन गैर मुस्लिमों को मारो, घात लगा के बैठो, जहां जहां मौका इनको नहीं। चार वायद सुनाई कि जो अहदो पैमान पूरा करें उनके साथ पूरे वायदे करो। अब पांच वाली आपने खाली लिखी जिन लोगों ने, जिसलिए भी लिखी हो। छठी क्या है? फौरन मिलकर वहीन अहदुम मिनल मुशरिकीन अस्तजारक फाजिर हो हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون। पांचवी हो गई, जब ये महीने गुजर जाए तो मारो नहीं, जिनसे मुआहदा जिन्होंने तोड़ा है उनकी बात, जिन्होंने नहीं तोड़ा उनके लिए क्या है? इसलिए कि मुशरिकीन का तर्जमा वो ये करते हैं मूर्ति पूजा करने वाले, वो किसी पूजा करें किसी मजहब को माने, इस्लाम उनकी बेहतरामी नहीं कर रहा है, द कुरान। और अब पांच आयत जो पेश की गई उसके मुकाबले में मिलकर फौरन छठी आयत जो मैंने अभी पढ़ी, तर्जमा पेश करूं। ऐ रसूल, इन्हीं गैर मुस्लिमों में से एक भी वइन अहद मिनल मुशरिकीन, इन गैर इस्लामी लोगों में से जो किसी शी किसी की भी पूजा कर रहे हैं, एक भी तुम तक ऐ रसूल तुम तक पनाह लेने के लिए आ जाए तो उसे पनाह दो, उसे अल्लाह का कलाम सुनाओ, और जब हालात ठीक हो जाए तो उसे उसके अमन की जगह पहुंचाओ। ये नहीं है कि भेज दो, भेज दो भी नहीं बल्कि पहुंचाओ सलावत मोहम्मद अली। उसे उसके अमन की जगह पहुंचाओ। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला यअलमून, बड़े प्यार से इसका तर्जमा कर करें, इसलिए कि वो लोग हैं जो कुछ जानते नहीं हैं। इसके बाद क्या है? नंबर छः मैंने पढ़ दिया आपके सामने, नंबर सात, नंबर आठ। और फिर जब इन लोगों ने खुद अहद को तोड़ा है जिनका ऊपर जिक्र किया गया है, तो जब वो अहद तोड़ रहे हैं जो उन्होंने किया था अल्लाह और उसके रसूल के सामने, तो जिन लोगों ने तुमसे खाने काबा की, बहुत तवज्जो कीजिएगा, इल्लज़ीन आहदतुम थुम्मा इंदल मस्जिदिल हराम, जिन लोगों ने खाने काबा के पास ठहर कर अहद और मुआहदा किया, फिर वो अगर अपने इस अहद पर बाकी रहना चाहें तो तुम भी उस अहद पर बाकी रहो। बदअहदी से परहेज करने वालों को, जो मुआहदे से तोड़ने से परहेज करें, अल्लाह उन्हें पसंद करता है। क्या समझे आप? ऐ रसूल, मक्के के पास, मक्के में खाना काबा के पास जिन लोगों ने तुमसे मुआहदा किया था, अगर वो उसमें बाकी रह जाए तो तुम भी रहो। पांच नंबर की आयत से पहले और बाद अगर आप गौर करेंगे, और इसी के तमस्सुक से हमने एक और जगह भी आयत को देखा जो लिखी गई, उसको भी पेश करूंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा वक्त हो जाएगा, मुख्तसर तौर पर कहता चलूं, इसको आप लोग देख लीजिएगा अपनी जगह। बात क़यामत तक के लिए आने वाले तमाम उन लोगों की नहीं है जो इस्लाम पर न हो,
इसको वहाँ रखवा दीजिए अंदर, आप एहतरामन वहाँ रखवा दीजिए। बात उनकी नहीं है कि जो बस मुसलमान नहीं उनके साथ ये सलूक करो, नहीं, जो काबे में के गरीब थे और माहिदा किया और माहिदा तोड़ा उनकी बात थी, और वरना जो जिस मजहब पर इस्लाम ने उसका एहतराम सिखाया है। अब कुरान करीम के लिए इसमें लिखा गया बहुत जगहों पर ऐसी आयतें, नहीं हर जगह यही मिलेगा, यही मिलेगा, यही मिलेगा, जो मैं कह रहा हूँ जिसका दिल चाहे आए मेरे पास बैठे बात कर ले। इसी में सूरह बकरा की आयत नंबर 191 पेश की गई कि इनको जहां पाओ मारो, जान से मार दो, जबकि इसी जगह आयत नंबर 191 पेश की गई है, इसके पहले आयत 190 और इसके बाद की 192, वहां भी अगर देखेंगे तो जो वहां मैंने पहले कहा है वही यहां भी मिलेगा। एक सलावत मोहम्मद वाले हों, वही बात आपको वहां भी मिलेगी जो मैंने अभी आपसे बयान की, कि अगर मैं इसको एक एक बात कहूं कि जिसमें सूरह बकरा की 191 आयत पेश की गई, उससे पहले 190, उसके बाद 191 जिस पर इतराज है, फिर इसके बाद 192, इन सब में यही मिलेगा। और फिर जो खुद एक और सूरह तौबा की फिर आयत यहाँ लाई गई 123 नंबर की, उसमें भी आपको यही मिलेगा। इनसे पहले भी 4, 5, 6, 7, 8 सब में जो बयान किया गया वही मिलेगा। फिर एक आयत में है कि यहूदियों और ईसाइयों के साथ दोस्ती मत करो, अज़ीज़ान गिरामी, वहाँ भी मैं तमाम रेफरेंस दूंगा इसको किताबी शक्ल में या मजमून की शक्ल में पेश करूंगा, क्योंकि इस मजलिस में बहुत खर, वहाँ भी यही है कि नहीं, वो तमाम ईसाई, वो तमाम यहूदी कि जो अपने किताबों के कवानीन और अहकाम पर अमल करें उनके साथ दोस्ती करो, जो उस पर अमल ना करें अपने अहकाम पर और बदकिरदारी पेश करें। मैं आज सबसे पूछता हूँ, किसी भी मजहब का मानने वाला हो अगर वो बदकिरदार है, बदचलन है, तो क्या उसकी मोहब्बत का मैसेज दिया जाए? यही कुरान ने कहा है कि इनमें से जो बदचलन हैं, जो बदकिरदार हैं, जो बास को बास से मिलाकर आपस में गलत बातें करते हैं, उनसे दूर रखो। वरना कुरान तो वो है जिसने तौरात की तस्दीक की, इंजील की तस्दीक की, जबूर की तस्दीक की, सारे अंबिया की तस्दीक की, सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, सब की तस्दीक की, जितनी आसमानी किताबें सबके एहतराम का हुक्म देता है कुरान। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आसमानी किताबें मैंने इसलिए कहा कि 3-4 के नाम आपको मालूम है, तौरात, जबूर, इंजील, अवस्था, वो भी कुरान में नहीं मगर बाहर से मालूम है कुरान। लेकिन कुरान ने सिर्फ इन 4 किताबों का नाम कह के बाद, जैसे हम बहुत सी बातें उर्दू में कहते हैं कि नहीं, अरे भाई आपको अगर लाना है फलों में लाना है तो देखिए वहाँ से आम लेते आइएगा, लीची लेते आइएगा, सेब लेते आइएगा, अंगूर लेते आइएगा, वगैरह वगैरह, कहते हैं कि नहीं कहते? आम लेते आइए, लीची लेते आइए, खरबूजा लेते आइएगा, तरबूज लेते आइएगा, वगैरह वगैरह, यानी और आप जो समय लेते आइएगा। तो कुरान ने 4 किताबों का नाम लेके वगैरह वगैरह कहा है। सूरह अल आला में जाइए तो वह इन्ना हाज़ा लफ़ी सुहुफ़ुल ऊला, सहीफा कहते हैं आसमानी किताब को, उसने उस सूरह में ऊपर अच्छी बातें बयान करके ये कहा, ये अच्छी बातें साबिक के तमाम सहीफों में है। वो तमाम सहीफे कौन हैं? उसने 1,24,000 अंबिया में 25-50-60 के नाम बताए, बाकी वगैरह वगैरह वो कौन है? कोई मजहब तासुब की बात अगर करता है तो सिर्फ हम में नादान लोग करते हैं, मजहब नहीं सिखाता है। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। कोई मजहब नहीं सिखाता। और मैं आपसे बताऊं कि इस हिंदुस्तान के, भारत के बड़े बड़े मजहबी रहनुमा, नाम लूंगा तो आप ताज्जुब में हो जाएं कि जब हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं कहीं भी, रस्मन तकल्लुफन दिखावे के लिए नहीं मिलते हैं,
दिल के साथ पूरे एहतराम से मिलते हैं, पूरी मोहब्बत से मिलते हैं। नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े यहाँ से जितने बड़े हो, बहुत कम से नहीं। मैं द्वारका के शंकराचार्य से मिला था, बहुत छोटा था, बस 15-16 साल का सिनोगा। उन्होंने मुझे कितनी इज्जत दी, जिस समझते हुए वो 80-90 साल के थे, मैं 15-16 साल का, बड़ी इज्जत दी। अभी दिल्ली में मजालिस में हम गए, कौन कौन बड़े बड़े लोग मुख्तलिफ मौके पर साथ बैठे, फोटो हैं सब है, पूरे एहतराम। मजहब, हम जैसे नादान लोग जो बीच में आ जाते हैं, जो या तो अपने मजहब को समझते नहीं हैं या दुनियावी मफादात हमारे साथ होते हैं, तो हम लड़ने लड़ाने की बातें करने लगते हैं। वरना मजहब ये नहीं सिखाता है, पूरा हिंदुस्तान भारत इस पर फख्र करता है कि हमारे यहाँ सारे मजाहिब हैं और सब मिलकर रहना चाहते हैं। सलावात मोहम्मद वाले वाले। और हम इसीलिए अहले बैत अथार का नाम लेते हैं। आइए बसंत, अहले बैत का नाम अहले बैत अथार, एक सलावात मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसलिए उनको हम बीच में रखते हैं कि उनकी पूरी हिस्ट्री, पूरी तारीख अगर आप देखेंगे, नफरत बढ़ाने का कोई भी एक्शन नहीं है, कोई इकदाम नफरत बढ़ाने का नहीं, सब मोहब्बतों का पैगाम है। मौला अली, अब इस्लामिक एम्पायर ज़ाहरी तौर पर भी उनके कब्जे में है। कूफे में जो परचम बुलंद है, कूफा कैपिटल है इस्लामिक एम्पायर का, उसकी हुकूमत हर तरफ है, स्पेन रोम से किनारों तक, हमारे भारत के सिंध तक, तुर्की ईरान हेमियर शाम हिजाज सब तरफ। वो मौला अली, मिसाल कह रहा हूँ, इस मिसाल को याद रखिएगा। अब ज़ाहरी तौर पर भी इस्लामिक एम्पायर के खलीफे अव्वल, खलीफे दोयम, खलीफे सोयम, जो कह लें आप, अव्वल से लेकर इस वक्त तक सबसे बड़ी कैफियत मौला अली के साथ गुजरते हुए, इसलिए कि आपका कैपिटल मदीना नहीं है, जहाँ हर तरफ मुसलमान रहते थे, कूफा है इराक, जहाँ यहूदी ईसाई हर मजहब के लोग। मैं ये भी कहूँगा, मौला अली ने कूफे को क्यों इख्तियार किया, इसलिए कि ये उस सहरा से अलग था और बसरे से करीब था कूफा, तो चारों तरफ तमाम मजाहिब के लोग थे। उनके नाम लूँ तो मजलिस में बहुत दूर हो जाएगा। अली ने इस जगह का इसलिए इंतखाब किया कि हर मजहब वाले को अपनी फरियाद पहुँचाना आसान हो जाए। रास्ते में एक ईसाई को पड़े हुए देखा, बुढ़ा बुजुर्ग भीख मांग रहा है, पूछा लोगों से भीख क्यों मांग रहा है। कहा मौला, ये पहले कभी ताकतवर था, कमा लेता था, अब नहीं है, ये बीमार है, बेचारा मजबूर है, इस तरह जिंदगी काट रहा है। पलट कर देखा आपने उन लोगों को, तो गवर्नर मुख्तलिफ लोग जजेस साथ चल रहे थे, उनसे आपने फरमाया जब ये सेहतमंद था तो तुम इससे काम लेते थे, अब ये मजबूर हो गया तो इसे रास्तों को छोड़ दिया, साथ ले चलो। वहां लाए जहां बैतुलमाल था, लिबास बदलवाया, खाने पीने का एहतमाम किया, और उसके लिए बैतुलमाल से एक वजीफा मुअय्यन किया। मैंने इस बात को यहाँ तक इसलिए कहा, तमाम मुअर्रिखीन से गुजारिश है, ढूंढो ढूंढो तलाश करो कहीं मिलेगा, कि जब अली ने उस ईसाई के साथ जो मजबूर था, फकीर था, बूढ़ा था, तब ये सारे सलूक कर लिए, तो इस सलूक से पहले एक जुमला तो होता, इससे कहो पहले इस्लाम कबूल कर ले, तब ये सब होगा। सलावात मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, हम अहले बैत अथार का जिक्र करते हैं, आज थोड़ी बात थोड़ा बहुत ज़्यादा खर्च होगा, चूँकि आज के दिन मेरे लिए ज़्यादा होता है। अहले बैत अथार की मोहब्बत की बात अलग है, तहकीक में रिसर्च में जाएंगे जब भी आपको ये बातें अच्छी लगेंगी।
वरना तौफीक की बात तो अगर मैं कहूँ, ये भी एक तौफीक की बात है, एक मिसाल जहन में आ रही है। फर्ज कीजिए कि आपने मेरे सामने आटा रखा, 1,000 रुपए रखे, थोड़ी देर आपका जहन बदले, 1,000 रुपए रखे, भाई हमीदुल हसन ये आटा रखा है, हमने गूंद दिया है, आटा गूंद दिया है, गेहूं का आटा गूंद दिया है, 1,000 रुपए रखे हैं, एक अच्छी सी चपाती बना के दे दो, 1,000 तुम्हारे, क्या मैं बना लूँगा? एक चपाती 1,000 रुपए फ्री में मिलेंगे मुझको, ये चपाती मैं पेड़े से काट के एक चपाती पका दूँ, नहीं बना सकता। ये मेरे भाई बैठे हैं, मैं बैठे थे वहाँ, समीर हसन तकवी पूरे बड़ा नाम रखते हैं दुनिया में, ये मेरे सामने 5,000 रुपए रखे, 1,00,000 रुपए रख कर ये कहें 10-17 मैथ्स पर आप लिख दें मैथमेटिक्स पर, मैं लालच से वो रुपए देखता रहूँगा, काश मैंने भी मैथमेटिक्स सीख ली होती, मैं लिख देता। अगर मेहनत करके सीख लेता तो वो भी कर सकता था, ये भी कर सकता था, ये तो वही मेहनत की बात। लेकिन घरों में बच्चियाँ ये वो 2 मिनट में चपाती बना देती हैं, पढ़ने वाले 2 मिनट में मैथ्स के मसाइल हल कर देते हैं, ये उनकी तौफीक होती है। कहीं सिर्फ तौफीक चाहिए, कहीं तौफीक के साथ मेहनत भी चाहिए। मैंने मिसाल को इसलिए दिया कि भाई माज़ अल्लाह कुछ लोग वो हैं जो लाख कोशिश करें उन्हें मोहब्बत अहले बैत नहीं मिलेगी, उन्हें मोहब्बत अहले बैत नहीं मिलेगी इसलिए तौफीक पे नहीं है। सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और कुछ वो हैं जिनको इसकी तौफीक है। मैंने देखा देहातों में बरसात के ज़माने में कभी कभी जाता हूँ, इसलिए हमारे भी देहात में कुछ बहुत जाना बचपन से रहता है, हमारी अजीजदारी रिश्तेदारी सब कुछ है, इलाहाबाद के अतराव में उतराव है, दूर तक खेती है घर की, वहाँ हम देखते हैं ये धान बोया जा रहा है, ये गेहूँ की फसल है, सामने खेत पर हम देख रहे हैं कुछ किसान, कुछ लोग झुके हुए, कुछ निकाल लें कुछ ठीक कर रहे हैं, कुछ निकाल लें कुछ ठीक कर रहे हैं, ये क्या निकाल रहे हैं? ये मैंने पूछा कभी कभी, ये क्या निकाल रहे हैं? क्या खेती तो तैयार है लेकिन इसके अंदर कभी कभी जहरीले पौधे आ जाते हैं, तो ये उन जहरीले पौधों को निकाल रहे हैं, अलग कर रहे हैं, पहचानते हैं अगर ये रह जाएंगे तो पूरी खेती ख़राब करेंगे। मिसाल दूँ भाई, यूँ ही समझिएगा कि हमारे क़ुलूब के अंदर मोहब्बत अहले बैत की खेती तो है लेकिन उसके अंदर जहरीले पौधे न निकल आए, इसलिए हम कभी अली का नाम लेते हैं, कभी हुसैन का नाम लेते हैं। सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक और सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस्लामी जिंदगी को, शरीयत की जिंदगी को, कुरान की जिंदगी को दुनिया तक पहुंचाने के लिए इसीलिए हुजूर ने फरमाया मैं 2 चीज़ें छोड़ रहा हूँ, कुरान एक मेरी इतरत और अहले बैत, ये इतरत और अहले बैत और कुरान दोनों कभी जुदा ना होंगे, इसलिए कि अगर ये जुदा हुए तो जैसे कुरान तक है उसे कुरान नहीं समझ में आएगा, जो सिर्फ अहले बैत से समझना चाहता है उसे अहले बैत का किरदार समझ में नहीं आया, कुरान से मिलाओ। और कुरान और इस्लाम मोहब्बतों का पैगाम है, इंसान को आला किरदार अदा करने का पैगाम है। इसी कुरान ने कालत अलअराब व आमन्ना कुल लम तुमनू भी कहा है, इसी कुरान ने अराब जो हैं अशद्दु कुफ्रन व निफाका, ये बहुत ज़्यादा सख्त हैं, और इसी कुरान ने हमारे रसूल से कहा है, फरमाया रसूल से कहा गया यमन्नून अलैका नस्लमु, ये तुम पर एहसान रखना चाहते हैं कि इस्लाम ले आए, कह दो रसूल तुम हम पर इसे एहसान न करो, ला तमन्नु अलैया इस्लामकुम, अपने इस्लाम का एहसान हम पर न रखो। ये न कहिए कि कुरान ने गैर मुस्लिमों को कहा, मुसलमानों को भी कहा, और जब गैर मुस्लिमों में बास की बात की तो सबकी नहीं की है,
या अय्युल्लज़ीना आमनू इन्ना कसीरन मिनल अहबार वर्रुहबान, ईमान वालों बहुत से लोग इन ईसाई उलमा में, सब ईसाइयों को नहीं कहा जा रहा है, बाज़ ईसाई उलमा और बाज़ यहूदी उलमा, लयाकुलून अन्नास बिल बातिल, जो लोगों के माल को बातिल तरीके पर खाते हैं, वयक नुज़ूल ज़हब अल फ़िज़्ज़ा, और सोने और चांदी को जमा करते रहते हैं, गरीबों का ख्याल नहीं करते, उनको कहा है जो अच्छे किरदार वाले हैं, उन सब ईसाइयों और यहूदियों के लिए भी कुरान ने कहा इनसे दोस्तियाँ करो। खाली यहूदी और ईसाई नहीं बल्कि जितने मज़ाहब के लोग हैं, वक्त बहुत हो जाएगा। बस अजीज़ा ने गिरा, मैं अपनी बात को तमाम करता हूँ। यहाँ से करीब बरेली में खानकाह नियाज़िया बहुत बड़ी बारगाह है, हर साल मैं 11 मुहर्रम को वहाँ जाता हूँ, एक दिन कह चुका हूँ, वहाँ के जो मोहतमिम हैं, जो खानकाह के बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने मुझे अपनी किताब दी, और अभी एक और किताब उनकी अहले बैत अतहार के बारे में शायद भी मैंने देखी नहीं आएगी मुझ तक, उसमें उन्होंने एक वाक़या लिखा, आपके जज्ब व कैफियत के लिए बयान कर दूँ। मौला अली मस्जिद में बैठे हैं, लोग साथ बैठे हैं, इतने में आपके फर्जंद इमाम हसन आए, कासिम मियां हमें अच्छे मोहब्बत करने वाले, उनके बुजुर्ग भाई, ये सब वो लोग हैं जो आबाई बुजुर्गों के वक्त उनके बड़ी वहाँ की बातें हैं खानकाह नियाज़िया की। दुआ करें हम सब के सब के ऐसे मरकज जो अहले बैत अतहार की मोहब्बतों की तबलीग करते हैं वो हर शहर आपस से महफूज रहें। मुझको फ़ोन किया गया वहाँ से, मैं कहूँ इस बात के लिए आपसे, दुआ करें आप लोग कि वो महफूज रहें। उनकी किताब का एक वाक़या जो मैंने और कहीं नहीं पढ़ा है उसी किताब में देखा, उसका रेफरेंस दिया है उन्होंने, एक बड़ी किताब का, सुने उसे आप। मौला अली मस्जिद में बैठे हैं, बस बात तमाम, इतने में आपके फर्जंद इमाम हसन आए, मजमे के सामने उन्होंने अपने बाबा से ये फरमाइश की, बाबा मुझे अनार चाहिए। मौला अली ने मस्जिद के जो सुतून थे, खम्बे थे, उनमें एक सुतून की तरफ हाथ बढ़ाया, उस सुतून के अंदर से एक शाख बाहर निकली, सरसब्ज और शादाब शाख बाहर निकली जो अनारों से लदी हुई थी। मौला अली ने उसमें से 4 अनार या 2 अनार तोड़ कर इमाम हसन को दिए, 4 अनार, और फरमाया 2 तुम्हारे हैं, 2 तुम्हारे भाई हुसैन के हैं। यहाँ तक तो सुना आपने, मजमे में लोगों ने पूछा या अली ये अनार कहाँ से आए, तो मौला ने जवाब दिया ये जन्नत के हैं। आगे सुनना है तो सलवात बाबा से बला, ये जन्नत के हैं। शायद तंजिया कहा हो या समझाने के लिए कहा हो या समझने के लिए कहा हो, बस उसने इतना कहा है अली क्या आपका जन्नत पर कब्जा है, तो जवाब क्या दिया, मैं ही तो हूं जो जन्नत और जहन्नम को तकसीम करूंगा। सलावत सलावत मोहम्मद वाले, बहुत से वाक़ियात, बहरहाल बस वही अली, ये इमाम हसन, ये इमाम हुसैन। तारीफ है कि जब शहजादी की वफात हो गई, एक मौके पर मौला अली ने अपने बड़े भाई हज़रत अकील से ये फरमाइश की है, अकील हे भाई मैं ये चाहता हूँ कि आप नस्साब अरब हैं, आप यहाँ के नसब से बहुत वाकिफ़ हैं, एक ऐसे कबीले में मेरे रिश्ते की बात हो,
कि उस जौजा से जो बच्चा हो वो अरब के बहुत बहुत ही बड़े बहादुरों में हो। ख्याल करें आप, जो अली कभी मुल्क गिरी में कहीं नजर नहीं आए, मौला अली अपनी बहादुरी शजाअत में सारी दुनिया में नाम, मगर मुल्क गिरी के लिए नहीं, जान की हिफाजत। वो एक ऐसे बच्चे की तमन्ना करे जो बहुत बहादुर, तो यकीन करना चाहिए बहादुरी किसी पर हमला मुलगिरी के लिए नहीं, जो खुद अपना किरदार वही हो। उन्होंने हजरत उम्मुल बनीन का नाम लेकर कहा, इनके जो आबाओ अजदाद हैं उनसे बड़ा बहादुरों का खानदान पूरे अरब में कोई नहीं है। यही लफ्ज़ है तारीख की, उम्मुल बनीन का नाम लेकर के इनके जो बुजुर्ग है आबाओ अजदाद जो इनके बाप दादा जो है, इनसे बढ़कर पूरे अरब में कोई बहादुरों का खानदान नहीं है। और फिर वो बताया कि रिश्ता हुआ हजरत उम्मुल बनीन उरूस बनकर, दुल्हन बनकर, जब नाका आया है, बहादुरी इसमें नहीं होती है कि कौन अपने को कितना बड़ा समझे, दिल की बहादुरी शजाअत नफ्स की ये भी होती है कि जो जैसा है उसकी हकीकत को पहचाने। आई हजरत उम्मुल बनीन नाके से उतरी, किसी ने नहीं कहा, लेकिन तारीख आलम आदम में किसी दुल्हन ने यह मंजर नहीं पेश किया होगा। हजरत उम्मुल बनीन से नजर आया, आगे बढ़ी, इससे पहले के ड्योढ़ी के बाहर जाए पहले जमीन पर बैठ गई, पेशानी उस ड्योढ़ी पर रखी, उसे चूमा, तब कदम अंदर रखे, मैं उस घर में आई हूं जहां सैयदा थी। अंदर आई, इमाम हसन इमाम हुसैन को सामने बिठाया, वो चारों तरफ सात दफा फिरी, सामने आकर खड़ी हो गई। शहजादों ये ना समझना इस घर में कुछ बनकर आई थी, या इसलिए आई हूं कि आपके सर के बाल धोऊं, आपके लिए लिबास और गिज़ा का इंतजाम करूं। अपने आका मौला अली से दरख्वास्त की कि मेरा नाम लेके कभी ना पुकारा जाए, उनका नाम भी फातिमा था। और इसीलिए तारीख के वर्क पलटे हैं, और आप हम ये देखें बहुत गुजरा, मौला अली सफर पर है, सफर से वापस आए, सुना घर में एक नौ मौलूद, घर में एक बच्चे की विलादत हुई है। आए सामने हजरत उम्मुल बनीन, बच्चे को एक लिबास में लपेटे हुए इमाम के हाथ में दे दिया, बड़ी प्यार और मोहब्बत से देख रही हैं कि देखें मौला अली के चेहरे पर अपने इस बच्चे को देखकर क्या आसार है। ये दुनिया की नफ्सियाती बात है कि जब भी किसी माँ की आगोश में बच्चा आए और वो पहली बार उसके बाप की आगोश में दे दे, तो बच्चे से ज़्यादा बाप का चेहरा देखती है कि देखें इस बच्चे के बाप पर अपने बच्चे को देखकर क्या कैफियत है। उम्मुल बनीन भी देख रही हैं कि अली ने अब्बास को हाथों पर लिया, उसका सर झुकाया, सर झुका के अपने बच्चे की नन्ही नन्ही कलाइयाँ बाहर निकाली, उनको चूमना शुरू किया। कलाइयाँ चूमते चूमते अब जो सर बुलंद किया तो उम्मुल बनीन ने देखा कि अली की आंखों से आंसू बह रहे, बस तड़प गई, आका क्या मेरे बच्चे के हाथों में कोई ऐब पाया? नहीं उम्मुल बनीन, मैं ये देख रहा हूँ तुम्हारे फर्जंद के दोनों शाने नुसरत हुसैन में खता कर दिए जाए। सनद दे दी गई, सनद मिल गई, वही अब्बास, जिंदगी इसी शान से गुजर रही है, हर वक्त फिक्र है कि मेरे आका हुसैन की ख्वाहिश क्या है, तमन्ना क्या है, आरजू क्या है। कमसेनी से करबला तक, मदीने से करबला तक, अब्बास काफिले के मोहतमिम आप, बच्चों के लिए पानी का इंतजाम आप करेंगे,
अगर कहीं जरूरत पेश आ जाए तो छोटे से लश्कर के सिपे सालार आप, इसके अलमदार आप, ये सारे मन सब एक अबुल फजल लंबा। आइए चंद जुमले आपके सामने और कह लें। वही अब्बास अजीजाने गिरामी, मैंने नहीं देखा ऐसा तो पाया कि कभी आ गए आपके सामने हजरत कासिम, चचा मैदान में जाने दीजिए, रोक दिया। कभी अली अकबर आए, रोक दिया। लेकिन ये मैंने नहीं देखा कि हजरत अबुल फजल अब्बास भी किसी वक्त भी आए, एक दफा भी नहीं आए कि मुझे पहले जाने दीजिए। नहीं, लेकिन अब्बास जानते हैं मैं चला गया तो मेरा आका अकेला रह जाएगा। बचपन से जिसके साथ देने का वायदा किया है वो अकेले रह जाए। अली अकबर जाते हो जाओ, कासिम जाते हो जाओ, और मोहम्मद जाते हो जाए, लेकिन तन्हा हुसैन नहीं। और मोहम्मद की लाश है तो एक को हुसैन उठाए, एक को मैं। जब सब हो चुका तब मेरा आपका आका अबुल फजल अब्बास आए इमाम हुसैन के सामने, सर झुका के खड़े हो गए। मुझसे कहा नहीं जा रहा है कि मंजर क्या होगा, अब कोई नहीं है। या हुसैन या और अब्बास, सर झुका के खड़े हो गए। क्या कहा? आका अब मुझे भी मैदान में जाने दे। अब्बास का सीना अब बहुत तंग है। मैं उर्दू में तर्जमा करूं? रोएंगे आप, मैं उर्दू में तर्जमा करूं? आका अब अब्बास का सीना बहुत तंग। उर्दू में तर्जमा करूं? आका अब अंदर से दम घुटा जाता है। आप कहते हैं ना उर्दू में, दम घुटा जाता है। आका अब्बास का सीना अब अंदर से बहुत तंग। अब इस दुनिया में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा, अब मुझे भी मैदान में जाने दें। इमाम ने क्या फरमाया? अब्बास तुम तो हमारे लश्कर के अलमदार हो। शायद इसीलिए जुमला कहा गया कि जो अब्बास के सीने में घुटन है वो और निकल जाए। अब्बास तुम तो इस लश्कर के अलमदार, जवाब क्या मिला? आका वो लश्कर कहाँ, वो लश्कर कहाँ जिसका ये अब्बास अलमदार। इस्लाम हमला करने का दीन नहीं है, दिफा करने का दीन है। इस्लाम खुरेजी का दीन नहीं है, करबला के आखिरी नुक्ते पर आकर पहचानो, आखिरी नुक्ता मैदान करबला। अब कोई नहीं है हुसैन और अब्बास के सिवा, सिर्फ खैमे में कम सिन बच्चा है। इमाम ने अबुल फजल अब्बास को देखा, सिर्फ इतना फरमाया, अब्बास खैमों में अगर जा ही रहे हो तो प्यासे बच्चों के लिए पानी का कुछ इंतजाम कर लो। इसलिए ये फरमाया कि जानते हैं अगर अब्बास पानी की फिक्र से बेनियाज होकर गए तो न जाने जंग का क्या आलम होगा। खुरेजी को रोकना है,
खैमों में बच्चे प्यासे हैं, जहर बदल गया। जंग का जो तसव्वुर है अभी अब्बास, आप अंदाजा करें मेरा शहजादा, अब अगर मैदान में जाता तो आखिरी जुमला आपका क्या है? मैं जाऊं, आका इजाजत दीजिए, मैं जाऊं ताकि इन मुनाफिकीन से जो मेरे ऊपर कर्ज है खून, उसका बदला ले सकूं। कौन सा खून कर्ज है? ओनो मोहम्मद का खून, कासिम का खून, अली अकबर का खून, घुट रहे ना इन सब का जाके बताऊं इनको। इमाम ने अब्बास की तलवार पर पहरे लगा दिए। अब्बास, खैमों में बच्चे प्यासे हैं, हो सके तो पहले इनके लिए पानी का। आए दरे खैमा पर आए, आवाज अपनी भतीजे को दी, सकीना खैमे में कहीं पर थी, चारों तरफ छोटे छोटे बच्चे सूखे हुए कूजे, अलताश अलताश अलताश। सुना कि अब्बास ने पुकारा है सकीना को, दौड़ते हुए सब बच्चे साथ आ गए। दरे खैमा पर सकीना आ गई, आवाजी सकीना जाओ अपना मशकीजा ले आओ। ये छोटा सा मशकीजा क्यों मंगवाया? ये छोटा सा मशकीजा क्यों मंगवाया? सर्विस लेके रहती दुनिया तक मौरख लिखे, अब किसी और के लिए पानी की तमन्ना नहीं थी। हाँ, बच्चों के लिए इमाम ने फरमाया है, इसलिए छोटा सा मशकीजा, बड़ी मश्क नहीं, छोटा सा मशकीजा, ताकि दुश्मन भी समझ ले अंदर औरतों के लिए पानी नहीं जा रहा है, अपने लिए नहीं जा रहा है, हुसैन के लिए नहीं जा रहा है, आका के लिए नहीं जा रहा है, कोई बच्ची है जो प्यासी है। आए फरात के किनारे 4,000 फौजी खड़े हुए, तारीख का मंजर है, 4,000 फौजी, कोई आने ना पाए, लेकिन तारीख कहती है जज़ीरत अब्बास करीब पहुंचे, जिधर रुख करते थे फौजी फरार करते थे, इधर उधर उधर हर तरफ फरार किया, यहीं से दुनिया पहचान ले कौन नजरिए में कितना पुख्ता था। तुम यजीद के फौजी थे, इंतजाम ये था कोई नहर तक आने ना पाए, तुम 4,000 थे, वो एक था जिसके आकाने का पानी बच्चों के लिए। आगे बढ़े, 4,000 फौजी हट गए, अब्बास पानी पर कब्जा किए हुए थे, सूखे मशकीजे को तर किया पानी में, एकदम पानी नहीं भर लिया, वक्फा गुजरा, कुछ देर गुजरी कि सूखा हुआ मशकीजा तर हो जाए, फिर उसमें पानी भर लिया जाए। इस पूरे वक्फे में फुरात की मौजें हैं, पानी पर कोई और हो लालच आ जाए, लेकिन अब्बास ने चुल्लू में पानी लिया ताकि दुनिया देख ले, लो देख लो ये पानी जो चुल्लू में है अब्बास कैसे पिएगा, इसके अंदर चेहरे दिखाई दे रहे हैं, ये ओनो मोहम्मद है, ये अली अकबर है, ये कासिम है, ये खैमों में छोटे छोटे बच्चे, अलताश अलताश। पढ़ने की ताकत नहीं है, मोड़ा घोड़े को, अब सबने हमला किया, पानी न पहुंचने पाए। एक जुमला कभी नहीं पढ़ा है मैंने आपके सामने, से आज कह लूं, क्यों अब्बास के शाने खता हो गए, किसकी मजाल थी जो खता करता, किसकी हिम्मत थी जो अब्बास जैसे सजा के बाजू को खता करता, नहीं जब गए तो 4,000 कुछ ना कर सके, जो फुरात पर थे वापसी में क्यों, इसलिए कि अब मेरे आपके आका की तवज्जो सिपाहियों की तरफ नहीं थी, फौजियों की तरफ नहीं थी, मशकीजे की तरफ थी, ये पानी पहुंच जाए, ये पानी पहुंच जाए, तीर ना लगे, तलवार ना लगे, हाँ इस पानी पर तवज्जो ऐसी थी, ये बाजू कट गया, ये बाजू कट गया, अब्बास का घोड़ा किसी तरह खैमों तक पहुंच जाओ, ये खैमों की तरफ पहुंचने से पहले मशकीजे पर तीर लगा, सर उठाया, अल्लाहुम्मा इन्ना अत्वाल हुसैन,
अच्छा अरे अल्लाह खैमों में हुसैन के बच्चे प्यासे रह गए, सर पर गुड़ लगा, आवाज दी आका आखिरी सलाम, अब्बास का आखिरी सलाम कबूल।